तो कई लोगों के मन में सवाल है कि टैट के एग्ज़ाम इस बार होगा या नहीं होगा। जैसे पहले भी मैं बोला हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐलान किया था स्टार्ट में ही कि इस बार जो भर्तियाँ होंगी दो टप्पे में होंगी। पहला टप्पा तो कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन कुछ चीज़ें बाकी है, जल्द ही वो भी हो जाएंगी। सेकेंड टप्पा दिसंबर में होने के चांसेस हैं। अब एक और जीआर आया है 20 अगस्त को। 20 अगस्त के जीआर में एक कमेटी बनाई जा रही है, जिस कमेटी के अंदर ये होगा कि अब जो भर्तियां होने वाली हैं, जो टीचर भर्ती होगी वो भर्ती जिला के हिसाब से की जाएगी। यानी अब जिले वार जो भर्ती होगा वो जिला अब जैसे पुलिस वगैरह तो अब भर्तियां जो होगी जिलेवार भर्तियां होंगी। यानी इनका जो मंशा है कि भाई हाँ एग्जाम कराना है, भर्तियां लेनी है, तभी ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर इनका इरादा नहीं होता, एग्जाम लेने का इरादा नहीं होता या भर्तियां लेने का इरादा नहीं होता, तो इस तरह के कोई भी मामले देखने नहीं मिलते, सब चीजें शांत रहती। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही महाटीटी का नोटिफिकेशन आएगा। एक बार महाटीटी का नोटिफिकेशन आ जाता है तो टेट एग्जाम होने पर पूरी तरह से थप्पा लग जाएगा, और टेट के एग्जाम महाटीटी के रिजल्ट आने के फौरन बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि महाटीटी का नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाए, ताकि सितंबर में तो अब मुमकिन नहीं है, अक्टूबर में हो सकता है एग्जाम हो जाए, क्योंकि इस बार इलेक्शन थोड़ा सा पोस्टपोन होने के चांस है। कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन पहले हो रहे हैं और महाराष्ट्र के इलेक्शन थोड़ा सा पोस्टपोन होने के चांस है, तो अगर कुछ ऐसा होता तो अक्टूबर में हमारा एग्जाम हो सकता है। तो आप भी प्रिपेयर, अगर अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो कर सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच जो है 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। बैच का फीस जो बहुत मिनिमम रखा गया है, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं, बैच के रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिनिमम 3 से 4 महीना किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए चाहिए, इसमें भी 3 से 4 महीने की स्टडी कराई जा रही है, जहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तकरीबन 2022 के हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आईबीपीएस एग्जाम लेगी उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आईबीपीएस एग्जाम नहीं भी लेती तो भी हमारी तैयारी ऐसी होगी कि आप डेफिनेटली एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और डाउट रहे तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।